जिज्ञासु मित्रों, दर्शन के क्षेत्र में वेदांत दर्शन का विस्तार सबसे अधिक हुआ। यहां तक कि विदेशी दार्शनिकों के बीच भी यह दर्शन बहुत ही ख्याति प्राप्त करता है। जब से वेदांत विकसित हुआ तभी से अद्वैत की चर्चा भी हो गई, क्योंकि उपनिषदों के अंदर अद्वैत की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है। आज हम इसी अद्वैत के विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि अद्वैत क्या है। यद्यपि अद्वैत तो उपनिषदों से ही निकला हुआ है, उपनिषदों की व्याख्या के लिए महर्षि वादरायण के जी के द्वारा ब्रह्म सूत्रों की रचना हुई, जो कि वेदांत के प्रथम ऋषि कहे जाते हैं, जो कि वेदव्यास थे, वेदव्यास महर्षि वादरायण। और ब्रह्म सूत्रों से फिर आगे उस पर चर्चा प्रारंभ होती है, उपनिषदों की व्याख्या हेतु ही। और फिर योगी गौड़पाद जी ने उपनिषदों की व्याख्या, उपनिषदों का सार समझाने के लिए ही मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद की विशेष रूप से व्याख्या की। उनकी टीका, उनका भाष्य मिलता है मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या के रूप में। उसके बाद गोविंदपाद आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु हुए और वो योगी गौड़पाद के शिष्य थे। आदि गुरु शंकराचार्य आए, जब आदि गुरु शंकराचार्य आए तो इस वेद अद्वैत मत को बहुत ही बृहत विस्तार प्राप्त हुआ। अनेकों ग्रंथों की रचना, उपदेश सहस्त्री, ब्रह्म सूत्र भाष्य, फिर इशादी नौ उपनिषद भाष्य, बृहद आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद भाष्य और अन्य कई ग्रंथों का, श्रीमद् भगवद गीता भाष्य, इनसे कई ग्रंथों का भाष्य जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने किए। और नए कई ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि और नए कई ग्रंथों की रचना, कई स्तोत्रों की रचना हुई। अब अद्वैत क्या है, मुख्य रूप से अद्वैत है क्या? अद्वैत क्यों कहा गया, अद्वैत कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम अद्वैत कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वैत का अर्थ यह होता है कि ईश्वर एक है। तो अद्वैत का अर्थ ईश्वर एक है तो फिर उसे अद्वैत मत ही क्यों कहा गया, एकत्ववाद कह दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन उसे अद्वैत कहा। ये जो शब्दों का जो प्रयोग है ये आदि गुरु शंकराचार्य के शब्द हैं, अद्वैत। और भी कई शब्द वेदांत दर्शन में, विशेष करके अद्वैत दर्शन में, इसलिए एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान इलियट, सर इलियट हुए, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहा कि यह विश्व का सबसे गंभीर दर्शन है, अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत सबसे गंभीर और संगीतमय भी है, संगीतमय होने के साथ गंभीर भी है। इस प्रकार से उन्होंने इसकी बड़ाई करते हुए कहा। तो इसमें जो शब्दों के प्रयोग हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अद्वैत कहने का तात्पर्य क्या निकलता है, जो दो से परे है, जो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है, लेकिन फिर वो एक है, इसका अर्थ वो एक है, लेकिन वो तो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है, अनंत है, तो मैं उसे एक भी कैसे कहूं? एक कहना तो उसे एक व्यक्तित्व देना होगा, उसे आकृति देना होगा, क्योंकि वो भेदातीत है, भेदों से परे है, वो गुणातीत और भावातीत और शब्दातीत भी है। जब ब्रह्म की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य ने की तो ब्रह्म को उन्होंने गुणातीत, भावातीत और शब्दातीत बताया है। उसमें गुण नहीं है, उसमें भाव नहीं है, भावनात्मक सत्ता नहीं है, और न ही शब्द है, और भेद भी नहीं है, भेदों से भी परे है।
तो अद्वैत ब्रह्म, ब्रह्म अद्वैत है, उस ब्रह्म को अद्वैत कहा गया और इस संपूर्ण सृष्टि जो है ये ब्रह्म में ही स्थापित है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है बना परा, ये एक महावाक्य था। अद्वैत वेदांत का सबसे पहला महावाक्य यही था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना परा, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार मिथ्या है, जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना परा, और ये जीव भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म से परे नहीं है, जो कुछ भी है वो ब्रह्म से है और ब्रह्म में ही है, स्थापित है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य को ये दृष्टिगोचर होता है, संसार अगर असत्य संसार दिखाई देता है और उसे व्यवहारिक लगता है तो वो उसकी व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में, मूल सत्ता में, निश्चित सत्ता में, क्योंकि ये संसार निश्चित तो है नहीं, जिसने भी जन्म लिया उसको ये देह त्यागना है, सब कुछ संसार में अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, वो रहने वाला नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है, तो ये जो कुछ भी नजर आ रहा है वो अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अविद्या को भी परिभाषित किया, माया को भी परिभाषित किया, ब्रह्म को भी परिभाषित किया, आत्मा को भी परिभाषित किया, जीव को भी किया और ईश्वर को भी किया। तो अब ब्रह्म, तो ब्रह्म अद्वैत है, वो भावनात्मक नहीं है, तीन सत्ताओं की बात करते हैं। जब वो कहते हैं क्या जगत मिथ्या, अगर जगत को मिथ्या कहा गया तो क्या जगत को पूर्णतः मिथ्या मान लिया गया, तीन सत्ताओं का वर्णन किया अद्वैत मत में आदि गुरु शंकराचार्य ने, तीन सत्ताओं का वर्णन किया, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषित सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता इस जागृत अवस्था में जो संसार हमें दिखाई देता है, ये मोह माया रूपी जो संसार है जहां पर व्यक्ति शरीर के साथ है, ये व्यवहारिक सत्ता है। इस सत्ता में जगत असत्य नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत के अनुसार यह जगत मिथ्या नहीं है, व्यवहारिक सत्ता में मिथ्या नहीं है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में ये मिथ्या है, ब्रह्म ही सब कुछ है, सत्य चारों तरफ ब्रह्म ही है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है चारों तरफ। अभिव्यक्ति क्या, वो भावनात्मक है नहीं तो अभिव्यक्ति भी नहीं, लेकिन फिर भी ये संसार दिखाई देता है तो उसका कारण अविद्या है, उसका कारण माया है, माया से संसार की सृष्टि हुई है, इसमें ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो भावनात्मक नहीं है, वो भावातीत है, और जब भावनात्मक नहीं है तो वो करेगा कहां से कुछ। तो माया, जगत और ब्रह्म के बीच संबंध ही क्या है, अगर ब्रह्म सबसे बड़ी सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, तो फिर जगत और ब्रह्म के बीच का क्या संबंध है, ये जानना जरूरी है। संबंध कैसे बनता है, तो जगत और ब्रह्म के बीच के संबंध को बताने के लिए ही माया को, माया की व्याख्या हुई कि माया के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है, संसार बना है, लेकिन किसने बनाया है ये भी एक प्रश्न है। तो ब्रह्म परे है, व्यवहारिक अवस्था में हम जागृत रहते हैं, प्रतिभासित अवस्था, प्रतिभासित अवस्था उसे कहते हैं जब हम स्वप्न देखते हैं, निद्रा की अवस्था में रहते हैं, तंद्रा में रहते हैं, तो वो भी एक अवस्था है, वो भी एक साक्षात्कार है जो इस जगत से परे है। आप स्वप्न में कुछ भी देख रहे हैं आपको उस समय वो सत्य ही नजर आता है, ये स्वप्न था आपको तब पता चलता है जब आप नींद से उठ जाते हैं और उठने के बाद आपको लगता है कि आपने एक स्वप्न देखा, स्वप्न डरावना था, स्वप्न सुंदर था, स्वप्न अच्छा था, आपने देखा, तो स्वप्न देखा आपने, तो स्वप्न आपने देखा तो वो एक दूसरी दुनिया थी, वो ये दुनिया नहीं थी जिस दुनिया में आप मिल बैठ कर काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने आपके माता पिता हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, ये वो दुनिया नहीं थी, इसलिए वो प्रतिभाषित सत्ता है। और फिर पारमार्थिक सत्ता है जो सर्वव्यापी है, वो स्वप्न में भी है, प्रतिभाषित में भी है, व्यवहारिक सत्ता में भी उसका अस्तित्व है, वो पारमार्थिक है, वो सर्वव्यापी है। तो ब्रह्म की सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में जगत सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना पर, और जीव भी ब्रह्म है, उस सत्ता में प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्म से परे है और ब्रह्म उसमें नहीं है या वो ब्रह्म में नहीं है।
ब्रह्म सबके अंदर है और सब ब्रह्म में विलीन है। ब्रह्म सबके अंदर है और सब ब्रह्म में विलीन है। जैसे समुद्र है और समुद्र का पानी ही लहरों का रूप धारण करता है, अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं, बनती हैं, कोई ऊंची होती है, कोई छोटी छोटी लहरें भी बनती हैं, ऊंची ऊंची लहरें भी बनती हैं, लेकिन वो जो लहरें हैं वो जल से अलग नहीं है, वो जल ही है, वो जल ही है, भले वो अनेक रूप धारण कर रही है। तो कुछ इस तरह की व्याख्या, और यही अद्वैत वेदांत का यही मत कई ग्रंथों के अंदर, कबीर की वाणी में भी आपको मिल जाएगा, गुरुवाणी के अंदर जो सिख मत के जो ग्रंथ है उसमें भी आपको ये विचारधारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक, कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, ये गुरुवाणी के अंदर आता है कि कनक कटिक जैसे सोना और सोने का गहना एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे में है, उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ये व्यवहारिक सत्ता में ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है व्यवहारिक सत्ता में। बिजली दौड़ रही है तार के अंदर, लेकिन वही बिजली जब बल्ब से गुजरती है तो वो जलता है। अब जल कौन रहा है? बिजली ही जल रही है, बल्ब ही जल रहा है, अभिव्यक्ति बिजली के कारण। हम समझने के लिए इन उपमाओं का आधार या उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ब्रह्म की सत्ता की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं कि सर्वव्यापी है, जो कुछ भी है ब्रह्म से है, और सब कुछ में ब्रह्म है और सब कुछ ब्रह्म में है, यह तथ्य। और वह ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और फिर विशाल से भी विशाल है, विशाल से भी विशाल है। तो प्रत्येक वस्तु उस ब्रह्म में ही लीन है और प्रत्येक सब कुछ ब्रह्म का ही है। हाँ, हम उस ब्रह्म को नहीं जानते, उस पारमार्थिक सत्ता को नहीं जानते, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम अविद्या में हैं, हम अविद्या में हैं। हमें वो प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम ब्रह्म की सत्ता का साक्षात्कार कर सके, हमें वो प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म शब्द बना कैसे? संस्कृत भाषा के वृह धातु से। वृह मतलब विस्तार होना, जो जिसका विस्तार है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, वो सत्ता, उसे ब्रह्म कहा गया। और मोक्ष की अवधारणा में आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब जब प्रश्न उठा, इस पर कई तर्क हुए, कई विचारधाराएं आई, तो प्रश्न उठा फिर जीव क्या है, फिर ईश्वर क्या है, ये संसार किसने बनाया? जब संसार किसने बनाया इसका प्रश्न उठा, तो संसार ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने कैसे बनाया? माया से बनाया। श्रीमद् भागवत गीता का वो भाष्य जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं योग माया से प्रकट होता हूं, अगर मैं इस धरा धाम पर तुझे दिखाई दे रहा हूं तो मैं भी माया के कारण हूं, तू भी माया के कारण है। एक योग माया है और एक भोग माया है, एक सृजनकारी माया है और एक विनाशकारी माया है। माया ही दो तरीके से कार्य करती है, लेकिन इस माया को लेकर जो कार्य करने वाली जो इच्छा शक्ति है वो ईश्वर की है, वो ईश्वर है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग है? अगर आप आदि गुरु शंकराचार्य का मत श्रवण करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, तो ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग ही है, अलग अलग ही है। जिस प्रकार से जगत और ब्रह्म के संबंध को स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने माया की व्याख्या की, वैसे ही माया और ब्रह्म के संबंध को स्थापित करने के लिए ईश्वर की व्याख्या की। ईश्वर है। एक घटना आती है, विचार करने वाली बात है कि ऐसा ऐसी चीज है, अद्वैत ब्रह्म की जो चर्चा है, उस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा जो आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं, उनके खुद के जीवन की एक घटना आती कि एक समय जब वो बाल्यावस्था में थे, तो बाल्यावस्था में उनकी माताजी दूर नदी के किनारे कहीं पर वस्त्र धोने अपना जाया करती थी, घर के वस्त्र, घर के बर्तन वो नदी किनारे धोकर फिर आती थी, और जाने के लिए लगभग एक कोस चलना पड़ता था पैदल। एक समय वो नदी में वहां पर अपने वस्त्र धोकर अपना सामान लेके आ रही थी, तो ठोकर खाकर गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है। काफी समय तक जब मां नहीं आती है तो शंकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर फिर अपनी मां को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, और जब मां के पास पहुंचते कि मां तो यहां गिरी हुई है, वहां से अपनी मां को कैसे भी संभाल कर उठाकर वहां से ले आते हैं,
और फिर सोचते हैं कि माँ को, मुझे मेरी माँ को फिर इतना दूर जाना पड़ेगा, मेरी माता को इतना कष्ट होगा, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, ये उचित नहीं है, नदी को यहां आना पड़ेगा मेरे घर के पास। और कहते कि उस दिन से लगातार अन्न जल सब कुछ त्याग करके माता सरस्वती से प्रार्थना करना उन्होंने शुरू कर दिया, देवी से प्रार्थना की। और जब बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, उस इच्छा शक्ति का प्रभाव, ऐसा प्रबल भावनाएं, ऐसी एकाग्र और प्रबल भावनाओं का प्रसार किया उन्होंने कि वो नदी जो एक कोस दूर बहती थी वो उनके घर से बहने लगी, घर के सामने से बहने लगी, नदी को अपना मार्ग बदलना पड़ा, ऐसी तीव्र एकाग्रता और ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति। आदि गुरु शंकराचार्य ने उसका उसका प्रयोग किया और नदी सामने से बहने लगी। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता सर्वोपरि है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ अपनी इच्छा शक्ति देवी से प्रार्थना कर देवी की कृपा से उनके घर के सामने से नदी बहने लगी, देवी की कृपा से, अर्थात वो देवी की सत्ता में विश्वास करते हैं, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, वो भक्ति में भी विश्वास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अद्वैत मत आदि गुरु शंकराचार्य का भक्ति में भी विश्वास करता है, लेकिन जब व्याख्या करता है तो वो ब्रह्म को सर्वोपरि बताता है कि ब्रह्म की सत्ता सर्वव्यापी है। अब प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्म हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारी पूजा को ग्रहण करेगा? तो ब्रह्म तो भावातीत है, वो तो भेदातीत है, तीनों प्रकार के भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये तीन प्रकार के भेद बताए गए। सजातीय भेद जो कि दो गाय है, एक जाति की है, गाय है तो एक ही जाति की हुई, अब उन दो गायों में जो अंतर है, जो भेद है, वो सजातीय भेद है। विजातीय भेद, गाय और घोड़े के बीच जो अंतर है वो विजातीय भेद हुआ। और स्वगत भेद, गाय के ही शरीर में कान और पैर के बीच का जो भेद है, मतलब एक ही चीज के अंदर दो उसके गुणों के कारण जो भेद बन रहा है वो स्वगत भेद हुआ। इन तीनों भेदों से ब्रह्म परे है। ब्रह्म भावातीत भी है, शब्दातीत भी है, गुणातीत भी है, गुणों से भी परे है। देखिए, निर्गुण होना एक अलग विषय है, गुणातीत होना एक अलग विषय है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, उस अंतर को समझना है तभी हमें अद्वैत समझ में आएगा और अद्वैत में किए गए शब्दों का प्रयोग समझ में आएगा। निर्गुण, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये हो गया भाई, उस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं, उस चीज में कोई गुण नहीं। ब्रह्म में गुण ठहर ही नहीं सकता, उसमें गुण ठहर नहीं सकता। हां, जब हम उसकी व्याख्या करते, साथ में आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य एक और बात कहते हैं कि जब भी हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हम उसे गुण दे देते हैं, इसलिए उस ब्रह्म की व्याख्या भी संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म क्या है ये मत जानो, ये जानो कि ब्रह्म क्या नहीं है। जब ये जान लो कि ब्रह्म क्या नहीं है तो ब्रह्म का आभास हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म का आभास होना ये तर्कों का विषय भी नहीं है, ये साधना का विषय है। साधन, वो साधना के मार्ग को बताते हैं, अभ्यास, प्रयास करो ब्रह्म तक पहुंचने की, स्वयं को विचारातीत अवस्था में ले जाओ, स्वयं को भावातीत अवस्था में ले जाओ। अब यह बात जब साधना का पक्ष आता है तो वो योग दर्शन के साथ मिल जाता है, वो योग दर्शन, पतंजलि का जो योग शास्त्र था उसके साथ ये बातें फिर मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो व्याख्याएं हैं ब्रह्म का, वो व्याख्याएं योग पतंजलि के योग दर्शन में नहीं पाई जाती। तो इसलिए ब्रह्म जो अद्वैत है, अर्थात उसमें दो कभी ठहर नहीं सकता, उसके अंदर वो गुणातीत है, वो भावातीत है, भावातीत है, इसलिए आप अपनी भावनाओं से उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, वो आपकी प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होने वाला, ना आपके ऊपर कोई कृपा करने वाला है। इसका अर्थात ब्रह्म और ईश्वर, आदि गुरु शंकराचार्य के मत के अनुसार ब्रह्म और ईश्वर ये दोनों अलग अलग दो चीजें हैं। इस बात को समझ ले, ब्रह्म एक अलग विषय है, ईश्वर एक अलग विषय है। ईश्वर की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य तब करते हैं जब माया और ब्रह्म के बीच का संबंध बताते हैं, तो ईश्वर ने, उसकी इच्छा शक्ति ब्रह्म समान है ये कहा जा रहा है, लेकिन माया है, माया से संलग्न होने के कारण वो माया में कार्य करता है, और जो ईश्वर की सत्ता है एक और बात बहुत विशेष है और शायद यथार्थ है। सबसे बड़ी बात कि ईश्वर की सत्ता को व्यवहारिक सत्ता में स्वीकार किया है आदि गुरु शंकराचार्य,
ना कि पारमार्थिक सत्ता में। पारमार्थिक सत्ता में मात्र ब्रह्म है, ईश्वर नहीं है। व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर की सत्ता है। आप एकाग्रता का प्रयोग कीजिए, आप तरह तरह के मंत्र जाप कीजिए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है, अगर आप भक्ति के विज्ञान को समझते हैं, तो वो ईश्वर आप पर कृपा करेगा और आपका काम बना देगा। इस बात को संभव के रूप में स्वीकार किया है आदि गुरु शंकराचार्य ने। हां, ईश्वर है। जब श्री कृष्ण उपदेश देते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य के लिए श्री कृष्ण ईश्वर है। लेकिन जब श्री कृष्ण ये कहते हैं ईश्वरीय सत्ता की, जब वो कहते हैं कि मैं ये हूं मैं हूं, तो वहां पर ईश्वर है, क्योंकि वहां पर भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं धनुर्धारियों में राम हूं, मैं देवताओं में इंद्र हूं, जब ये बात कहते हैं तो यहां भावनाओं का प्रसार हो रहा है और ईश्वर भावमय है, लेकिन ब्रह्म भावमय नहीं है। यह ब्रह्म की विशेषता, ईश्वर भावमय है लेकिन ब्रह्म भावमय नहीं है। उस तक कभी भावनाएं नहीं पहुंचती, और योग मार्ग के द्वारा, समाधि के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचा जाता है, ना कि ईश्वर तक। वहां जाकर साधक भी भावातीत होता है, ब्रह्मलीन होता है। जब भावातीत होगा तो ब्रह्मलीन होगा। जब भावनात्मक जगत में, व्यवहारिक जगत में हम सत्ता और शक्ति की बात करते हैं, तो वहां ईश्वर है, वहां ब्रह्म नहीं। वहां ब्रह्म अनुभूत नहीं होता है, आभास नहीं होता है। लेकिन वही जीव जब साधना के मार्ग पर विचारातीत होने का प्रयासरत, भावातीत होने के प्रयास में रहता है, तो ब्रह्म की अनुभूति करता है। लेकिन ब्रह्म किसी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करता, ब्रह्म किसी की इच्छा पूर्ण नहीं करता, क्योंकि वो इन सब से परे है, वो भेदातीत है, वो भावातीत है, वो गुणातीत है। आप साधना के द्वारा ब्रह्म की ओर जाएंगे, आप अपने प्रयासों से ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, आप उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, व्याख्या भी करेंगे। इसलिए अंत में आदि गुरु शंकराचार्य ने नेति नेति शब्द का प्रयोग किया, नेति नेति, क्योंकि जहां उसकी व्याख्या होगी वहां भावनाएं आ जाएंगी, वो भाव संपूर्ण हो जाएगा, और जब भाव संपूर्ण हो जाएगा तो ब्रह्म कहां रहा, वो निर्गुण कहां रहा, आपने तो उसे गुण दे दिया, वो गुणातीत कैसे रहा। निर्गुण तो शब्द का प्रयोग ही नहीं है, बाद में कालांतर में निर्गुण शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए किया गया, लेकिन शंकराचार्य नहीं करते। वो गुणातीत, भावातीत, अद्वैत, सबसे सटीक शब्द ढूंढा गया अद्वैत, जो द्वित्य से परे है, जिस जो अद्वितीय है, जिसका दूसरा नहीं हो सकता, और वो सर्वव्यापी है। इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या और ईश्वर की व्याख्या, और फिर आत्मा, आत्मा की भी व्याख्या की। आत्मा क्या है, तो वेदांत का एक सूत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है, और आत्मा के लिए भी सच्चिदानंद कहा। तो आत्मा और ब्रह्म को एक बताया जा रहा है अद्वैत वेदांत के मतानुसार। आत्मा और ब्रह्म एक है, लेकिन ये अलग अलग नजर क्यों आता है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जिस प्रकार जब सूर्य जो है शीशे के अनेक टुकड़ों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सभी टुकड़ों में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, एक ही सूर्य है लेकिन वो अलग अलग दिखाई देता है। बिजली एक है, लेकिन उसी बिजली से जब बल्ब जुड़ जाए, पंखा जुड़ जाए, फ्रिज जुड़ जाए, तो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। वैसे ही वो आत्मा एक है, लेकिन जब वो जीव के रूप में प्रतिबिंबित होता है तो जीव अनेक हो जाते हैं। अनेक जीवों की सत्ता स्वीकार की है, लेकिन एक आत्मा की सत्ता, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। इसी से अहम ब्रह्मास्मि मंत्र निकला। अहम ब्रह्मास्मि है, आत्मा ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि। ये ब्रह्म, ये वेदांत के वाक्य है, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या, आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक ही सत्ता के द्वारा सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अलग अलग संस्कार हैं। जीवों के अंदर उनके अलग अलग कर्म माया के कारण अलग अलग क्यों है, जब एक से ही संचालित हो रहे हैं? माया के कारण, उसका कारण माया है, ये परिवर्तनशील माया, ये नश्वर माया उसका कारण है, और माया के कारण ही ब्रह्म की सत्ता का भास नहीं होता, ब्रह्म की सत्ता का भास नहीं होता माया के कारण, और माया अविद्या का प्रसार करती है। मुंडक उपनिषद के अंदर, मुंडक उपनिषद के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि दो विद्याएं हैं, एक विद्या है, एक पराविद्या है,
अपराविद्या के द्वारा ही, और एक अपराविद्या है, पराविद्या के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बताया, वो क्या है? पराविद्या का मार्ग। और अपराविद्या के द्वारा आप माया को, माया की जानकारी ले सकते हैं, माया के प्रसार की जानकारी ले सकते हैं, सांसारिक विद्याओं को सीख सकते हैं आप। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक और अंतर, ध्यान रखिएगा, इसलिए ईश्वर और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं। अद्वैत मत के अनुसार ये दोनों ही अलग अलग हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको अपराविद्या की जरूरत है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आपको पराविद्या की आवश्यकता है। इस महान भेद को जरूर समझिए, ईश्वर और ब्रह्म का भेद। ब्रह्म सर्वव्यापी सत्ता है, ईश्वर तो भावनात्मक है। आपकी भावनाओं में ताकत है तो ईश्वर आपके सामने है, आपकी भावनाओं में शक्ति नहीं है, आपकी भावनाएं एकाग्र नहीं है तो ईश्वर आपके सामने नहीं है। मीराबाई कृष्ण को पुकारती थी, कलयुग के अंदर मीराबाई भी, कृष्ण तो उस समय नहीं हुए, लेकिन मीराबाई जब कृष्ण को पुकारती थी तो कृष्ण सामने होते थे, और जो लोग नहीं पुकारते थे कृष्ण उनके सामने नहीं होते थे। ये ईश्वर की सत्ता है। इसलिए ईश्वरीय विद्या, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा को, कृपा ईश्वर करता है, ब्रह्म कोई किसी पर कृपा नहीं करता। ये तथ्य भी वहां स्पष्ट होता है अद्वैत मत के अंदर। तो ईश्वर भावनात्मक है, ब्रह्म भावनात्मक नहीं है। आपने ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अपराविद्या को सीखना है, लेकिन ब्रह्म तक पहुंचना है तो पराविद्या को सीखना है। पराविद्या की व्याख्या की, उसे योग मार्ग, भावातीत होने का अभ्यास करना है, विचारातीत अवस्था में जाने का अभ्यास करना है, तब जाकर आप ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। इस तरह के अभ्यास की चर्चा और इस तरह की बातें आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने अद्वैत मत से हमारे समक्ष रखी। फिर मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष भी नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष है। जीव आत्मा का भेद, आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है, एक तत्व है, सबके अंदर एक ही शक्ति है जो सबको चला रही है, लेकिन अलग अलग सिस्टम में चलने। जैसे एक बिजली जब फ्रिज से निकलती है तो ठंडा करती है, हीटर से निकलती है तो गर्म करती है, बिजली तो वही है। उसी प्रकार आत्मा एक है लेकिन जीव अलग अलग है। जीव अनेक है, आत्मा मात्र एक है, वो ब्रह्म एक है। तो ब्रह्म को परिभाषित करना, ब्रह्म को परिभाषित करना और आत्मा, जीव की अवस्थाओं का वर्णन, जीव की अवस्थाओं का वर्णन, किस प्रकार जीव इन तीन सत्ताओं से अनुभूत हो सकता है। एक व्यवहारिक सत्ता में वो जागृत अवस्था में है, प्रतिभासित अवस्था में वो दो अवस्थाओं में जाता है, स्वप्न और निद्रा। अब इन तीनों के परे जो पारमार्थिक सत्ता है उसमें वो सर्वव्यापी सत्ता है, उसे तूर्य अवस्था कहा गया। तूर्य, अभी तूर्य शब्द भी अनेकों रहस्यों को लिए हुए है। तूर्य शब्द का क्या व्याख्या है, क्यों तूर्य कहा गया, चौथा क्यों नहीं कहा गया, भाई इन तीन से परे है। कहा गया कि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से परे तूर्य है, लेकिन तूर्य है क्या, इसे तूर्य क्यों कहा गया, इसे चतुर्थ भी तो अवस्था कह सकते थे, क्योंकि ये चतुर्थ अवस्था है ही नहीं, ये कोई चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तूर्य का अस्तित्व जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और निद्रा में भी है, क्योंकि ये साक्षी अवस्था है। तूर्य क्या है, इस ब्रह्म और अद्वैत को समझने के लिए अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में हम मांडुक की उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है, मात्र 12 श्लोक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे मांडुक की उपनिषद की व्याख्या आपके समक्ष रखी जाएगी और हम समझने का प्रयास करेंगे किस। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने तूर्य की व्याख्या की कि तूर्य अवस्था क्या है, एक साक्षी भाव, एक साक्षी अवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चौथी अवस्था है तो निद्रा अवस्था के बाद आएगी। तो ये जो तीन सत्ताओं का वर्णन किया, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इसमें इन चार अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न और तूर्य। लेकिन जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था हीन, उसमें जिसमें निद्रा भी है, एक परिभाषित सत्ता है उसमें, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था भी है वहां पर, निद्रा अवस्था है और फिर तूर्य। इन तीनों से जीव इन तीन अवस्थाओं का अनुभूति अलग अलग ढंग से करता है। जब वो जागृत अवस्था में रहता है तब वो स्वप्न की सत्ता का साक्षात्कार नहीं कर रहा होता,
लेकिन जब स्वप्न की सत्ता का साक्षात्कार करता है तो दुनिया बदल जाती है, उसे लगता है कि स्वप्न ही सब कुछ है, जब तक स्वप्न टूट नहीं जाता। और जब निद्रा में रहता है तो ना स्वप्न रहता है ना जागृत, लेकिन इन तीनों से परे की जो अवस्था है वो साक्षी अवस्था है। इसलिए तुरिया, तुरिया शब्द का अर्थ होता है तीनों से परे। तो तुरिया क्यों कहा, चतुर्थ क्यों नहीं कहा? कई बार लोग जब तुरिया की व्याख्या करते हैं तो उसको चतुर्थ कहते हैं कि चतुर्थ की अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, लेकिन चतुर्थ नहीं है, ये तो साक्षी भाव है। इस अवस्था की सत्ता जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, निद्रा में भी है। तुरिया जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और निद्रा में भी है, तो चौथा कैसे हुआ? वो तो तीनों के साथ है ही। तो तुरिया हमेशा विद्यमान है। क्या है, किस प्रकार से मांडू की उपनिषद मांडू के कार्य का इसकी व्याख्या करती है। और ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता है, क्या प्रमाण है इस बात का? तो व्यवहारिक जगत में इसका क्या प्रमाण है? व्यवहारिक जगत में एक ही प्रमाण है। जब आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा कि आप प्रमाणित कीजिए कि ब्रह्म है, तर्कों से प्रमाणित कीजिए, तो उन्होंने सीधा एक बात कही कि तर्कों से कभी ब्रह्म प्रमाणित नहीं हो सकता। ब्रह्म तर्क व्यवहारिक सत्ता में, जागृत अवस्था में ब्रह्म के होने का मात्र एक ही प्रमाण है और वो है श्रुतियां। वेद ऐसा कहते हैं, श्रुतियां ऐसी कहती हैं कि ब्रह्म है और वेद सम्मत हम तथ्य रखते हैं, इसलिए ब्रह्म है। तर्कों के द्वारा कभी ब्रह्म को जागृत और इस व्यवहारिक सत्ता में ब्रह्म को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको प्रमाणित करना है तो आप स्वयं के भीतर स्वयं के लिए साधना का मार्ग अपना कर, ब्रह्म ज्ञान की साधना। ब्रह्म ज्ञान क्या है, हम इसे भी मांडू की उपनिषद के माध्यम से कि किस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान कहा जा रहा है हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा जा रहा, शास्त्र सम्मत तथ्य है। आज ब्रह्म ज्ञान के नाम पर बहुत सारा भ्रम है, कई लोगों को तो भ्रम हो गया है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है। उस भ्रम का खंडन होगा, शास्त्र सम्मत तरीके से खंडन होगा। इसलिए ब्रह्म क्या है और मांडू की उपनिषद ब्रह्म ज्ञान किस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं हम उसे समझने का प्रयास, लेकिन अनुभूति तो साधना के द्वारा ही संभव है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि शास्त्र हमारे सामने है, श्रुतियां हमारे सामने है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्म है। अन्यथा इस जागृत अवस्था में, इस व्यवहारिक सत्ता में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, ब्रह्म क्या नहीं है। और अपने अंदर जो इसका जो, क्योंकि वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो है अव्यक्त ब्रह्म की चर्चा आई कि एक ब्रह्मा का अव्यक्त है और एक उसके परे जो अव्यक्त है वो मेरा परम धाम है, वो अव्यक्त है, वो अव्यक्त ब्रह्म है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अब वेदांत की जो बातें हैं किन दर्शनों से ज्यादा मिल जाती है, तो सांख्य और योग। अगर सांख्य का अध्ययन करेंगे, जब हम सांख्य पर आएंगे, सांख्य पर चर्चा करेंगे, तो उसमें प्रमाणित होगा। लेकिन वेदांत का जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो परिभाषा है, वेदांत की विशेषता ही यही है कि वो ब्रह्म को परिभाषित करता है, ब्रह्म के बारे में बताता है, ब्रह्म की ओर संकेत करता है। अन्य ग्रंथों में ईश्वर, अन्य दर्शनों में ईश्वर का महत्व ज्यादा है, वेदांत में ब्रह्म और फिर ब्रह्म की ही चर्चा है। अद्वैत विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा, उस पर भी चर्चा होगी। तो विशिष्टा अद्वैत में ब्रह्म के साथ जो विशेषण जोड़े गए, यद्यपि रामानुजाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य के मत को स्वीकार किया, अद्वैत के मत को, इसलिए विशिष्टा अद्वैत, जब उस अद्वैत में विशेषण जोड़े गए तो वो बन गया विशिष्टा अद्वैत। तो क्या विशेषण जोड़े गए, जब हम विशिष्टा अद्वैत पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में इसी ब्रह्म और पारमार्थिक सत्ता को समझने के लिए मांडुक्य कारिका क्या कहती है और मांडुक के उपनिषद के जो 12 मुख्य श्लोक हैं वो क्या कहते हैं, उस पर हम विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से हमें तुरिया अवस्था, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म का ज्ञान, आज हमने समझा कि ब्रह्म ज्ञान एक पराविद्या है, अपराविद्या नहीं, पराविद्या है। पराविद्या के माध्यम से ही कोई ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है और ब्रह्म तक पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति ही, ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष है। इन सभी विषयों को हमने
समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम आगे का व्याख्यान श्रवण करेंगे। धन्यवाद।